प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भीतर घातियों पर निगरानी की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके तहत जिन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नाराज होने की जानकारी है उन्हें मनाने के साथ उनके कामकाज पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिग्गजों को उनके गुट के नेताओं को समझाइश देने के लिए कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार के कारण पस्त है, लेकिन पहले उत्तराखंड और फिर प्रदेश में नगर परिषद के चुनाव में स्थानीय जीत ने उम्मीद बढ़ाई है। कांग्रेस का मानना है कि उपचुनाव में अगर 3 में से 2 सीटें जीत लेती हैं, तो नगरीय निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का असर होगा। इस कारण कांग्रेस ने विजय राघोगढ़, बहरीबंद और आगर सीटों के नाराज पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। खासतौर पर विजय राघोगढ़ सीट पर भाजपा प्रत्याशी संजय पाठक की मदद करने वाले कांग्रेसियों पर निगरानी शुरू कर दी गई है। पाठक पहले कांग्रेस में थे और बाद में भाजपा में शामिल हुए। EMS TV के लिए नेहा यादव की रिपोर्ट।